Hello students, in the previous video we just actually learnt about the background of this lesson, and in which you actually now got it that there is a war between Prussia and France, and in which Prussia won the battle and occupied the two districts of France, Alsace and Lorraine, and they imposed their language on the Alsace district of France, and in which German is to be taught, or French was stopped to be taught from the next day. So this is actually, now I will just put a map before you, ki where actually this Alsace and Lorraine is, ki in this map I will tell you ki where actually this is Lorraine, Alsace. You can see here also Lorraine is here, Germany is here, this, okay. So Germany, actually Prussia actually a part of Germany, and in which German, Poland, Austria, three nations actually come under this country. So this Germany occupied Alsace and Lorraine during Franco-Prussian War, or it took place in 1870. Or furthermore, I will tell you ki Germany actually at the time was under the leadership of Bismarck. Bismarck actually unified Germany, hai na? Some part of Poland, some part of Austria and Germany itself, these three actually part actually come under Prussia. Now they occupied this Alsace and Lorraine, and now they actually they actually impose their language. So last previous video I told you the Alsace district, in which a French teacher whose name was M. Hamel. Now it was his last lesson, last lesson. From that next day he actually going to retire or transfer from that place. That much I told you in the previous video. Now I will start the story again, okay. So I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding, especially because MML had said that he would question us on participles, and I did not know the first word about them. So in this इसमें ये बताया गया है कि जो है यहाँ पर जो फ्रेंच जो बच्चा है जो स्टूडेंट है तो वो बता रहा है कि क्या हुआ कि जो है ये सुबह का टाइम था और मैं स्कूल के लिए तैयार हुआ और मुझे जो है पार्टिसिपल पे जो है पार्टिसिपल मुझे ग्रामर में जो होता है इंग्लिश में भी होता है पार्टिसिपल ऐसी फ्रेंच ग्रामर में भी पार्टिसिपल है उसका एक वर्ड भी उसे याद नहीं था और MML जो एक स्ट्रिक्ट टीचर थे तो उनको जो है पार्टिसिपल के बारे में इंफॉर्मेशन देनी थी तो स्टूडेंट्स तो ये जो इस बच्चे को एक भी नो द फर्स्ट वर्ड इवन जो फर्स्ट वर्ड है एक भी शब्द इवन द पहला जो शब्द था उसका फर्स्ट वर्ड भी उसे पता नहीं था जो पार्टिसिपल के बारे में उसने याद नहीं किया था उस तो इसलिए तो वो बड़ा डर रहा था ही वॉज इन इज कॉल्ड ए ग्रेट ड्रेड ऑफ जैसे कि लिखा है इन द ग्रेट ड्रेड ऑफ ए स्कॉल्डिंग उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि कहीं उसे डांट पड़ेगी तो बिकॉज MML से क्योंकि तुमने लेसन क्यों नहीं याद किया है ना तो ये बातें इसे बताई गई है फॉर ए मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स तो मैंने ये सोचा यानी कि फ्रेंच ये बता रहा है कि उसने ये सोचा कुछ देर के लिए कि वो जो है आउट ऑफ द डोर घर के बाहर ही अपना दिन बताएगा ठीक है और वो जो है क्लास अटेंड नहीं करेगा यानी क्लास में जाएगा ही नहीं क्योंकि उसे
पार्टिसिपल का लेसन ही याद नहीं था. इट वॉज सो वॉर्म सो ब्राइट द बर्ड्स वेयर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स. तो ये जो डे था बड़ा ब्राइट था, सनी था, और जो बर्ड्स जो थे चर्पिंग कर रहे थे. चर्पिंग मीन्स होता है चहचहाना. तो बर्ड्स जो है चर्पिंग कर रही थी जंगलों में. वुड्स माने जंगल, वुड माने लकड़ी होता है, वुड्स माने जंगल होता है. तो जंगल में जो है जो बर्ड्स थे वो चर्पिंग कर रहे थे. और बड़ा सनी डे था, बड़ा ब्राइट डे था. लेकिन अब आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि सनी डे होता है तो भाई सन से तो हम बचते हैं, क्योंकि धूप जो लगती है तो धूप में तो हमें जाने से मना किया जाता है. तो ये बच्चा कैसे खुश था कि डे सनी था. देखो ये फ्रांस की कहानी है. फ्रांस एक पहाड़ी इलाका है ना, और वो बहुत ही ठंडा इलाका है. लेकिन उस दिन का मौसम अच्छा था और जो है धूप निकली हुई थी. तो नेचुरली कि धूप वहाँ के लिए उस क्लाइमेटिक कंडीशंस में अच्छा माना जाएगा. तो इसलिए धूप थी और ठंड, तो इसलिए जो है बर्ड्स जो है चर्पिंग कर रहे थे. तो मौसम सुहावना था. तो इसके मन में ये ख्याल आया कि क्यों ना आज जो है स्कूल ही ना जाया जाए, जैसा होता है चिल्ड्रन माइंड. एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल द प्रशियन सोल्जर्स वेयर ड्रिलिंग. तो ओपन फील्ड में जो प्रशियन सोल्जर थे वो ड्रिलिंग कर रहे थे, अपनी एक्सरसाइज कर रहे थे, फिजिकल ट्रेनिंग एक्सरसाइज वगैरह कर रहे थे. जैसे कि मैंने आपको बताया एक सॉ मिल थी. सॉ मिल माने आरा मशीन, जहाँ पे पेड़ों को काटा जाता है. तो वो जो है तो सॉ मिल के जो है बैक ऑफ द सॉ मिल, सॉ मिल के पीछे आरा जो मशीन थी, आरा जो, तो उसके पीछे जो जर्मन सोल्जर्स या प्रशियन सोल्जर जो थे वो एक्सरसाइज कर रहे थे, फिजिकल ट्रेनिंग कर रहे थे. इट वॉज ऑल मच मोर नाउ टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल. अब ये जो ज़्यादा टेम्पटिंग था, ज़्यादा अट्रैक्टिंग था कि बाहर क्यों ना जो है सोल्जर्स की फिजिकल ट्रेनिंग को देखा जाए, वुड्स में जो बर्ड चर्पिंग करती उसे देखा, उन्हें सुना जाए, और जो है देन कि जो है पार्टिसिपल के रूल को पढ़ने के बजाय. तो ऐसा उस बच्चे के मन में ख्याल आया. बट आई हैड बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट. तो लेकिन फिर भी उसके अंदर एक स्ट्रेंथ थी कि वो अपने आप को रेसिस्ट कर पाया और जो है वो जो है अपने आप को रोक पाया. मतलब कि ये सब टेम्पटिंग सिचुएशन जो थी उससे अपने आप को रोक पाया और एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और वो स्कूल की तरफ दौड़ पड़ा. उसने कहा कुछ भी हो चलो पढ़ाई तो ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मुझे जो है स्कूल जाना ज़्यादा अच्छा है. तो इसलिए वो स्कूल की तरफ चला गया. व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वॉज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड. तो बुलेटिन बोर्ड एक तरीके का नोटिस बोर्ड होता है, जैसे कि हमारे स्कूलों में भी होता है. तो इसी तरीके से इसमें कि न्यूज़ वगैरह लिखी जाती है. तो उस ज़माने में, क्योंकि उस ज़माने में मोबाइल फ़ोन नहीं थे, ना ही कोई न्यूज़पेपर वगैरह आता था, तो ऐसे में लोग जो थे न्यूज़ जो थी वो बुलेटिन बोर्ड, एक न्यूज़ बोर्ड होता था हर एक इलाके में. तो वो बुलेटिन बोर्ड, वो न्यूज़ जो बोर्ड था उस पर जो है टाउन हॉल पे, जो शहर का जो हॉल था वहाँ पर लोग भीड़ इकट्ठी हो रखी थी और लोग उसको पढ़ रहे थे. फॉर द लास्ट टू ईयर्स ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर. तो जो पिछले 2 सालों से जो पूरी जो बैड न्यूज़ थी वो इसी, जितनी भी बुरी खबरें थी, यानी कि कितने सोल्जर मरे और कितने हाउ मैनी सोल्जर डाइड और कितना अदर प्रशिया ने कितना ऑक्यूपाई कर लिया अदर एरियाज़ को, तो ये सब खबरें जो थी यहीं से आ रही थी. और ऐसा उस बच्चे को, उस स्टूडेंट को एक्चुअली मालूम, बच्चा बताता है फ्रेंच, ये हमें बताता है द लॉस्ट बैटल्स की हमने कितनी युद्ध हार गए, द ड्राफ्ट द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, जो कमांडिंग ऑफिसर का जो ऑर्डर था तो उस वो भी इसी जो है न्यूज़ बुलेटिन के थ्रू जो है हमें पता चल रहा था. ऐसा वो बताता है, फ्रेंच बताता है कि उसी न्यूज़ बुलेटिन के थ्रू जो है पता, जितनी बुरी खबरें थीं, चाहे वो कमांडिंग ऑफिसर का ऑर्डर हो, चाहे फिर
जो है लॉस्ट बैटल्स की, युद्ध में हार की खबरें हो, ये सारी बातें जो हैं उसी से पता चलती थी। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने अपने मन में सोचा, इफ विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। और मैंने जो है आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने जो है सोचा फिर बिना रुके मैंने ये बिना तो व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि ये क्या हो सकता है। तो मैंने बिना रुके ये बात को सोचा। देन जो है देन एज आई हरीड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, और मैं जितनी जल्दी जितनी तेज़ी से हो सकता था मैं उतनी तेज़ी से टाउन हॉल की अपने जो अपने स्कूल की तरफ मैं दौड़ा। एज आई कुड बी कुड गो द ब्लैक स्मिथ वॉचर हु वॉज देयर विद हिज अप्रेंटिस रीडिंग दी बुलेटिन बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर मी। तो जो ब्लैक स्मिथ था, ब्लैक स्मिथ कहते हैं बच्चों की जो जो आयरन के गूड्स को बनाता है, लुहार। तो लुहार जो था जिसका नाम वॉचर था, उसने जो है हुई हु वॉज विद हिज अप्रेंटिस, जो कि अपने अप्रेंटिस के साथ, अप्रेंटिस कहते हैं जो कि मैंने यहाँ पे मिनी लिखा हुआ है, अ पर्सन हुज ए ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग होता है, जो एक ट्रेनिंग देता है किसी, जो उसका जो ट्रेनिंग था, जो उसका अप्रेंटिस था, वो न्यूज़ बुलेटिन को पढ़ रहा था। और अब तो उसने बोला अपने रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर मी, कॉल्ड आफ्टर मी मीन्स मेरे पीछे से वो चिल्लाया और बोला कि डोंट गो सो फास्ट बब, बब माने बच्चे, छोकरे इतने तेज मत दौड़ो, बब माने एक जैसे कि एक अच्छे बच्चे के लिए जो प्यार से बुलाते हैं, जैसे बच्चे को कहते हैं, तो बब इतनी तेज से मत जाओ कि यू विल गेट इट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। तो प्लेंटी ऑफ टाइम नहीं, काफ़ी ठीक टाइम पर आप जो है पहुंच जाओगे, या प्लेंटी बहुत टाइम है स्कूल पहुंचने के लिए। तो ऐसा उसने पीछे से चिल्लाया, जो कौन वॉचर, जो ब्लैक स्मिथ था। तो नाउ आई कम टू द नेक्स्ट नाउ पैराग्राफ, आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने ये सोचा कि ये मेरी मजाक बना रहा है। एंड रीच्ड एम हेमल हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और मैं भागता भागता हाँफते हुए जो है मिस्टर हेमल के जो गार्डन था उस पर पहुँच गया, ठीक है ना। यूजली वेन स्कूल बिगेन देयर वॉज अ ग्रेट बसल, तो बसल मीन्स होता है बच्चों नॉइजी एक्टिविटीज़, है ना। तो यूजली वेन स्कूल बिगेन देयर वॉज ए ग्रेट बसल, तो जब स्कूल जो शुरू होता था, जब स्कूल आरंभ होता था, जब क्लासेस शुरू होती थी, तो वहाँ पे काफ़ी नॉइज़ होता था, काफ़ी जो है शोर होता था, विच कुड बी हर्ड आउट इन दी स्ट्रीट, और जैसे कि हम स्ट्रीट में भी सुन सकते हैं, इतना शोर होता था। लेकिन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, कि डेस्क के ओपन होने और क्लोज होने, है ना, डेस्क माने जिस पे हम बैठते हैं वो, तो उनकी आवाज़ें होती थी, लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, और एक होकर सभी बच्चे एक, मतलब यूनाइटेड होके, एक ग्रुप होके, सभी इकट्ठे होके लेसनों को रिपीट करते थे, उनको अपने अपने लेसन्स को दोहराते थे, वेरी लाउड, बहुत तेज़ी से लेसन्स पढ़े जाते थे, विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर। तो कभी कभी हमें जो है ओवर आवर ईयर्स, जो हम अपने कानों को बंद कर लेते टू अंडरस्टैंड बेटर, ताकि जो है हमें ढंग से हमें सुनाई दे, तो हम अपने कानों को जो है उसको सुनने के लिए, ताकि हम समझ सकें, अपने हाथों से अपने हम अपने हाथों पे कान लगा लिया करते थे ताकि बेटर तरीके से आवाज़ आए, इतना ज़्यादा जो है शोर होता था। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, रैपिंग माने होता थम्पिंग, है ना, यानी कि स्ट्राइकिंग, है ना, जो जो टीचर का जो जो रूलर था, जो उसकी जो 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 उसका एक फुट्टा स्केल कह सकते हो आप, स्केल से वो अपने जो बच्चों डेस्क पे मारता था ऑन द टेबल, बट नाउ इट वाज ऑल सो स्टिल, लेकिन आज पूरी तरीके खामोशी थी, ना कोई हसल था, ना कोई बसल था, ना कोई शोर था, किसी सब खामोशी से, सब खामोशी से बैठे हुए थे, कोई मूवमेंट नहीं था। तो स्कूल में ये फ्रेंच हमें बता रहा है, ठीक है, आई हैड काउंटेड ऑन दी कमोशन टू गेट
देखिए अब ये काउंटेड मीन्स होता है काउंटेड ऑन, ये लिख लीजिए आप, रिलाइड ऑन, रिलाइड ऑन मीन्स डिपेंडिंग ऑन, मतलब कि आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन। तो मैंने जो शोर था तो मैंने जो है आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन, तो मैंने जो है इस खामोशी में मैंने चुपचाप जो बिना कोई देखे जो है मैं अपनी सीट पे मैंने जाने की कोशिश की ताकि कोई मुझे देखे ना। तो आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन, तो मैंने ये सोचा था कि भाई इस शोर में इस कमोशन में मैं चुपचाप अपनी सीट पर बैठ जाऊँगा। क्यों फ्रेंड ने क्या सोचा था, काउंटिंग ऑन मीन डिपेंडिंग ऑन, उसने ये विश्वास करते हुए ये भरोसा करते हुए कि ये शोर शराबे के जब शोर होगा कमोशन होगा तो मैं जो है मैं अपनी डेस्क पे जाके चुपचाप से बैठ जाऊंगा। लेकिन क्या था असली में वहाँ पे खामोशी थी, कोई बोल नहीं रहा था, सब शांति थी, तो इसे बड़ी हैरानी हुई। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, जैसे संडे मॉर्निंग होती है ना, छुट्टी का दिन होता है, तो इसी तरीके से पूरी खामोशी जो थी वहाँ पे थी, पूरी सब शांत था। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स, तो मैंने खिड़की से अपने जो क्लासमेट्स थे मेरे जो दोस्त थे उनको देखा, ऑलरेडी इन दियर प्लेसेस, तो जो कि वो सभी जो मेरे क्लासमेट थे वो अपने प्लेसेस पे थे, अपनी जगहों पर थे। एंड एनएमएल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, तो जो एनएमएल थे जो अपने जो आयरन रूलर था उनके पास लोहे का बना हुआ जो स्केल था उन्होंने अपनी आर्म पे दबा रखा था अपने जो है आर्म, जानते हो ना आप लोग आर्म, आर्म मीन्स अपने जो है अपने आर्म में उसने दबा रखा था अपने हाथों के नीचे। तो आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और मैंने दरवाज़ा खोला और सबके सामने मैं जो है अपनी सीट की तरफ गया। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो है जो स्टूडेंट है वो बता रहा है कितनी शर्म मुझे आई होगी क्योंकि सभी बच्चों के सामने जाना और इस तरह से जो है कितनी ये शर्म, तो कितना मैं घबराहट, कितना मुझे मतलब मुझे मैंने अपने आप को बेइज्जत फील किया होगा ये आप समझ सकते हो। मैं शर्म से लाल हो गया, आई फेल्ट अशेम्ड, मुझे बड़ी शर्म आई कि सारे लोग मेरी और देख रहे थे। आई फ्राइटेंड, हाउ फ्राइटेंड आई, और तुम ये समझ सकते हो कि इतना फ्राइटेंड मैं हुआ होऊंगा। तो बच्चों अब नेक्स्ट जो पैराग्राफ है मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करता हूँ और आप मुझसे जुड़े रहिए, और देखो एक एक शब्द आपको समझना है क्योंकि देखो आज जो पैटर्न जो है CBSE के एग्ज़ाम का वो चेंज हो चुका है। मैं आपको बता दूं कि किसी भी पैराग्राफ से कोई भी लाइन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको हर एक लाइन को समझना होगा, और कोई अगर आपको प्रॉब्लम होती है आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और ओके थैंक यू, द रिमेनिंग पार्ट विल बी इन द नेक्स्ट वीडियो।